नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्नु हुँदैछ त हिमाल वर्ल्ड र म तपाईहरुसँग अंकित। अहिले हामी उपस्थित छौँ उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयमा र एक हप्ता अगाडि नै हामीले तपाईँलाई यहाँको केही न्युज देखाएका थियौँ, जहाँनिर पिजी युजी स्टुडेन्ट्सहरू जो पोस्ट ग्रेजुएट अन्डर ग्रेजुएट जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ जो उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयको अन्डरमा पढिरहेका छन्, कलेजेसहरूमा पढिरहेका छन्, उहाँहरूले एक हप्ता अगाडि आई यहाँनिर एउटा प्रोटेस्ट गरेको थियौँ, जसमा उहाँहरूको माग यही थियो कि उहाँहरूलाई अनलाइन इक्जाम चाहिन्छ भनेर र अफलाइन इक्जाम तिनीहरू दिने स्थितिमा छैन, किनकि तिनीहरूको जुन चाहिँ कोर्स पिरियड छ महिनाको, पहिला त्यसलाई घटाएर 3 महिनाको गराइयो र 3 महिनाको गराएपछि पनि रेगुलर क्लासेसहरू नभएकोले गर्दा उहाँहरूले जति पनि छात्र छात्रीहरू छन् उहाँहरूले एउटा माग राखेको थियो कि अनलाइन इक्जाम यो आउने जुन सेमेस्टर छ त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम अनलाइन इक्जाम यिनीहरूले गराइदियोस्, ताकि यिनीहरूको केही पनि प्रब्लम्सहरू नहोस् इक्जाम दिनुमा भनेर उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव राखेको थियौँ, एउटा डिमान्ड राखेको थियो। तर त्यो डिमान्ड पुरा नभएकोले गर्दा चाहिँ अहिले यहाँ जुन छात्रछात्रीहरू लास्ट विक यानि कि एक हप्ता अगाडि जुन छात्रछात्रीहरू यहाँनिर आएका थिइन् डिमान्ड गर्दै प्रोटेस्ट गर्दै, उहाँहरू फेरि यहाँनिर आज एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङको अगाडि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूबाट र युनिभर्सिटीको स्टुडेन्टहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट युजी र पिजी स्टुडेन्ट्सहरू यहाँनिर आए आज फेरि प्रोटेस्ट गरेको यहाँनिर देखिँदैछ। म दृश्य तपाईँलाई यहाँका देखाउन चाहन्छौँ र आज जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू यहाँनिर उपस्थित छन् उहाँसँग पनि हामी बात गर्नेछौँ, फेरि किन उहाँहरू यहाँनिर आएको, एक हप्ता अगाडि गरेको माग लिएर उहाँहरूलाई भित्रबाट एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङबाट के चाहिँ भनियो भनेर पनि हामी जान्न कोसिस गर्छौँ। मेरा नाम राजकुमार सरकार है। यहाँ पर आज आपका मुख्य मांग क्या है? हमारा जो मांग है, क्योंकि इतना दिन हो गया कि ऑनलाइन में क्लास चल रहा था, ठीक से कॉलेज में क्लास नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद मतलब हट से शिक्षा दफ्तर से नोटिस आया कि आप लोगों का, पहले नोटिस आया था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, ऐसे करके नोटिस आया था। तब हमारा ये मांग है कि अभी तो हमारा पढ़ाई ठीक से कॉलेज में स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी हमारा जो ये है माने कॉलेज में ठीक से तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, उसके साथ साथ ठीक से क्लास भी नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में आके हम लोग कैसे ऑफलाइन परीक्षा दें, ये हमारे लिए एक बात था। इसी मांग को लेके हम लोग आज NBU में आए हैं, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंडर में जितना भी कॉलेज पढ़ता है उस सारी कॉलेज से कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी हम सब कॉलेज से स्टूडेंट यहाँ पे आके हमारा ये मांग है, हम इन लोगों के सामने उपस्थित करें। पिछले हफ्ते भी यही मांग लेकर यहाँ पर आए थे, क्या बोला गया था? पिछले हफ्ते उतना कोई इसे नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त हमारा स्टूडेंट का संख्या भी कम था। उस टाइम पर बोला गया था कि हम लोग ऑफलाइन ही परीक्षा करवाएंगे, ऐसा कुछ। उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस का जो छात्र परिषद का जो राज्य सभापति है उसका तरफ से भी एक लेटर गया था हमारा शिक्षा मंत्री को, उसके बाद ही अनाउंस किया है कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंडर में जितना भी कॉलेज आता है उन लोगों का पर्सनल मैटर है, वो ऑनलाइन में परीक्षा लेगा या ऑफलाइन में। लेकिन हमारा यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि हमें हमारा परीक्षा ऑफलाइन ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लास है इतना दिन तक क्लास ठीक ठाक नहीं हुआ है। इसी आंदोलन को लेकर, इसी मांग को लेकर हम आज इंटरव्यू में आए। आप लोग यहाँ पर एक हफ्ता पहले आए थे। क्या बताए रहे आप लोग? हम लोगों को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम लोग उसके आंसर के लिए आज फिर आए। आज आप लोग क्या बताना चाहेंगे अंदर जाके? माने अगले दिन जो बताया था हम लोग वही अपना अपना पॉइंट। यहाँ पर पिछले दिन से काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग निकल आ रहे हैं, कौन से जगह से, कौन से कॉलेज से लोग आ रहे हैं? यहाँ पर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस है उसके सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स है। र दर्शकबिन, जसरी हामीले तपाईँलाई यहाँका तस्विर देखायौँ र कतिजना छात्रहरूसँग पनि, छात्रछात्रीहरूसँग पनि हामीले यहाँनिर बात गऱ्यौँ, स्टुडेन्टहरूसँग पनि हामीले यहाँनिर बात गऱ्यौँ, र उहाँको यही माग छ कि एक हप्ता अगाडि जति बेला उहाँहरू यहाँनिर आएका थिइन् र त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई के पोजिटिभ रेस्पोन्स नपाएकोले गर्दा फेरि एक हप्ता पछि यहाँहरू आएर चाहिँ फेरि एकखेप यहाँनिर प्रोटेस्ट यहाँनिर गरिरहेका छन्, र आजको दिनमा, पहिलाको दिनभन्दा आजको दिनमा यहाँनिर धेरै मात्रामा यहाँनिर स्टुडेन्ट्सहरू देखिँदैछ, धेरै कलेजेसहरूबाट र NBU को स्टुडेन्ट्सहरू जसले मास्टर्स कोर्स गर्नुहुँदैछन् उहाँहरू NBU बाटै, र जसले अन्डर ग्रेजुएट कोर्सहरू गर्दैछन् उहाँहरू धेरै कलेजेसहरूबाट, जो NBU को अन्डरटेकिङ छन्, उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयको अन्डरटेकिङ छ, उहाँबाट छात्रहरू यहाँनिर आएर, छात्रछात्रीहरू यहाँनिर आएर आज प्रोटेस्ट यहाँनिर गराउँदैछन्, र उहाँहरूको मुख्य माग के हो भने, फेरि मुख्य माग उहाँहरूको यही हो कि अनलाइन इक्जाम्स उहाँहरूको मुख्य माग हो, किनकि 6 महिनाको कोर्स 3 महिनामा गराएर प्लस रेगुलर क्लासेसहरू नभएकोले गर्दा उहाँहरू फ्रस्ट्रेटेड भइसकेका छन्, र प्र्याक्टिकल थ्योरी पेपर्सहरू उहाँले कसरी इक्जाम नबुझी नपढी
जहाँ उहाँहरूले कसरी दिनुपर्ने हो कसरी दिउँ भनेर उहाँहरू डरमा पनि परिरहेको छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आज ठुलो एउटा सबैजना यहाँनिर योगदान दिएर सबै स्टुडेन्ट्सहरू आज यहाँनिर योगदान दिएर यहाँनिर अनलाइन एक्जाम्सको यहाँनिर डिमान्ड गर्दै रहेका छन्। त दर्शक पनि तपाईँहरू हेर्नु त्यस्तो हिमाल वर्ल्ड र बनिरहनुहोस् हिमाल वर्ल्डसँग। धन्यवाद।